तो दोस्तों आज हम राजस्थान BSTC के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि अल्लाह जलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि अल्लाह जलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। तो इनकी जो पहचान रही है वह रही है मांड गायन में, ठीक है, मांड गायन में पहचान रही है इनकी अल्लाह जलाई बाई की। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न वापस से एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो वाद्य यंत्र है मादल, ठीक है, मादल जो है वह तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल है कि ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न वापस से एक बार कि ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है, तो ये संबंधित है पुत्री विवाह का विदाई गीत है, ठीक है, पुत्री विवाह का विदाई गीत से संबंधित है क्या ओल्यू। अगला सवाल है कि रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, तो रमजोल जो है वह घन प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है वो आपको बताना है, तो वह बांकिया, ठीक है, बांकिया जो है वह घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल है कि जोरावा लोकगीत का संबंध है, तो किससे संबंधित है जोरावा लोकगीत, तो आपको याद रखना है ये संबंधित हैं जैसलमेर से। अगला सवाल है कि पटेलिया बिछियों लालर व माचर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं और इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पटेलिया या बिछिया या लालर व माचर क्या है, तो आपको याद रखना है तो ये जो है ये है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, ठीक है। अगला सवाल है कि बांड ढोली और मंगनिया राजस्थान के खालिस्तान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि बांड ढोली या मंगनिया राजस्थान के खालिस्तान है, तो ये क्या है, तो ये है पारंपरिक लोक संगीतकार है। अगला सवाल है कि हेला ख्यात लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि हेला ख्यात लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है दौसा और सवाईमाधोपुर से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो तत् है तत्वाद्य यंत्र है, तो वह है रवाज, ठीक है, रवाज जो है वह तत्वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी की तरह होता है वो आपको बताना है, तो वह वाद्य यंत्र है अलगोजा, ठीक है, अलगोजा वह वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। अगला सवाल है कि मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला यंत्र वाद्य यंत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न आपसे बड़े एक बार कि मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र है नौबत, ठीक है, नौबत वह वाद्य यंत्र है जो मंदिरों राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाते हैं। अगला सवाल है कि पंडित जसराज का संबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंडित जसराज का संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। अगला सवाल है कि मशहूर संगीतकार विश्वमोहन भट्ट का जन्म स्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मशहूर संगीतकार विश्वमोहन भट्ट का जो जन्म स्थान है वो है जयपुर। अगला सवाल है कि वाद्य यंत्र यानी कि वह वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वाद्य यंत्र कौन सा है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो आपको बताना है, तो वाद्य यंत्र है झांझ, ठीक है, झांझ वह वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अगला सवाल है कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं और गौरी देवी बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुकी है, गौरी देवी पर बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है मांड गायन शैली से, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन है, तो आपको याद रखना है वह है मामे खान। ठीक है, मामे खान जो है वह राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, वह संगीत कौन सा है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है, तो वह संगीत है बाउल। अगला सवाल है कि तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीजन बाई जो हैं ये संबंधित हैं पंडवानी लोकगीत से। ठीक है, पंडवानी लोकगीत से संबंधित है कौन, तीजन बाई। अगला सवाल है कि कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से बड़े एक बार, कि कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, तो वह थे मेहदी हसन। ठीक है, मेहदी हसन वह पाकिस्तानी प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक थे जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। अगला सवाल है कि राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्या प्रश्न वापस से बड़े एक बार, कि राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है, तो उनका जो संबंध था वह था मोहन वीणा से। ठीक है, पंडित मोहन भट्ट का जो संबंध था वो किससे था, तो मोहन वीणा यंत्र से संबंधित था। अगला सवाल है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं वह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से बड़ी बार, कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जैसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं तो वह गीत कौन सा है, तो वह गीत है हमसीडो। ठीक है, हमसीडो वह गीत है जो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से बड़ी बार, कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत है जो संगीत वाद्य है जो बजाया जाता है, तो ये बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये बजाया जाता है तंदूरा। अगला सवाल है कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है क्या, तो ये बजाई जाती है जोगिया सारंगी। ठीक है, जोगिया सारंगी है जो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रामनाथ चौधरी का जो संबंध था वह था अलगोजा से। ठीक है, अलगोजा वाद्य यंत्र से संबंधित है कौन, रामनाथ चौधरी। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।